ये है देश के सच्चे मुसलमान जिन पर देश को गर्व है। दोस्तों, भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है। इस देश को बड़ा बनाने में सभी धर्मों के लोगों ने अपना योगदान दिया है, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि सब जानते हुए भी यहाँ के राजनेता धर्म के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने से बाज नहीं आते, और इनकी यही करतूत देश में हिंदू मुसलमान के बीच की खाई को दिन प्रतिदिन और गहरी करती जा रही है। लेकिन दोस्तों, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस देश की उन्नति में जितना हिंदुओं का हाथ है उतना ही मुसलमानों का भी है। आज हम आपको कुछ ऐसे ही मुस्लिम शख्सियतों से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को एक नई पहचान दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। नंबर 1, APJ अब्दुल कलाम। दोस्तों, कलाम साहब वो हस्ती हैं जो आज भी किसी पहचान के मोहताज नहीं। APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ। वे एक गरीब मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनके पिता जैनुलाब्दीन पेशे से नाविक थे और उनकी माता आशियम्मा एक गृहिणी। अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद कलाम साहब ने साल 1958 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की और साल 1958 में DRDO को ज्वाइन किया, लेकिन साल 1969 में उन्हें इसरो भेज दिया गया, जहां उन्होंने प्रोजेक्ट डायरेक्टर के पद पर काम किया। यहां उन्होंने पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 और पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV को बनाने में अपना अहम योगदान दिया, जिसका प्रशिक्षण सफल हुआ। अब भारत सरकार भी कलाम साहब के कुशाग्र बुद्धि का लोहा मानने लगी। इसीलिए साल 1980 में भारत सरकार ने एक एडवांस्ड मिसाइल प्रोग्राम अब्दुल कलाम जी के डायरेक्शन में शुरू करने के लिए उन्हें दोबारा से DRDO भेजा, जहां DRDO के साथ मिलकर उन्होंने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP के मुख्य कार्यकारी के रूप में काम करना शुरू किया। अब्दुल कलाम जी के निर्देशों से ही अग्नि मिसाइल पृथ्वी जैसे मिसाइल का बनना सफल हुआ। दोस्तों, वो अब्दुल कलाम जी ही थे जिनकी बदौलत आज हम न सिर्फ मिसाइलें बना रहे हैं बल्कि अपने दम पर अंतरिक्ष में किसी भी प्रकार की सैटेलाइट को लॉन्च कर सकते हैं। ये तो अब्दुल कलाम जी का सिर्फ एक हिस्सा आपने देखा। कलाम साहब 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति भी रहे। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने अनेक ऐसे फैसले लिए जिन्होंने देश को विकास की तरफ बढ़ाया। अब्दुल हामिद। दोस्तों, अब्दुल हामिद हिंदुस्तान के उन सपूतों में शामिल है जिन्होंने अपनी आखिरी सांस तक देश की रक्षा की। अब्दुल हामिद का जन्म 1 जुलाई 1933 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित धामुपुर गांव में हुआ। इनके पिता पेशे से दर्जी थे और इनकी माता एक गृहिणी। अब्दुल हामिद महज 20 साल की उम्र में भारतीय सेना में शामिल हुए। इनकी वीरता और साहस को देखते हुए साल 1955 में इनकी तैनाती 4 ग्रेनेडियर्स बटालियन में कर दी गई। दोस्तों, साल 1962 में जब भारत चीन से हार गया तो पाकिस्तान ने इसे अपने लिए अवसर समझा और साल 1965 में भारत पर आक्रमण कर दिया। लेकिन पाकिस्तान ये नहीं जानता था कि उसका सामना भारत के सपूर वीर अब्दुल हामिद से होने वाला है। दोस्तों, वो 8 सितंबर की रात थी जब पाकिस्तान ने अपने अमेरिकन पैटर्न टैंक को युद्ध के मैदान में उतारा। ये टैंक उस समय अपराजय माने जाते थे, लेकिन अब्दुल हामिद ने कम संसाधनों के बावजूद भी पाकिस्तान सेना में तबाही मचा दी। उन्होंने पाकिस्तान के उन शक्तिशाली टैंकों को ध्वस्त कर दिया जिनको लेकर पाकिस्तान इतरा रहा था। दोस्तों, वीर अब्दुल हामिद अपनी आखिरी सांस तक देश के लिए पूरे जज्बे के साथ लड़े। अब्दुल हामिद के पराक्रम, शौर्य और बलिदान को देखते हुए भारत सरकार द्वारा उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया। नंबर 3, मोहम्मद हिदायतुल्लाह है। मोहम्मद हिदायतुल्लाह का जन्म 17 दिसंबर 1905 को महाराष्ट्र के नागपुर जिले में एक संभ्रांत शिक्षित और बुद्धिजीवी परिवार में हुआ, लेकिन उनके पूर्वज मूल रूप से बनारस के रहने वाले थे। दोस्तों, आपको बता दें कि हिदायतुल्लाह देश के पहले ऐसे मुस्लिम थे जिन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया। वो इस पद पर 16 दिसंबर 1970 तक रहे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद से रिटायर होने के बाद जस्टिस हिदायतुल्लाह को सर्वसम्मति से वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में चुना गया, लेकिन जब राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह इलाज के लिए अमेरिका गए तो जस्टिस हिदायतुल्लाह ने 6 अक्टूबर 1982 से 31 अक्टूबर 1982 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में दोबारा काम किया। नया रायपुर में स्थित हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का नाम उनके नाम पर ही रखा गया। नंबर 4, यूसुफ ख्वाजा हमीद। दोस्तों, अगर आप दवाइयों की थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं तो आपने सिप्ला का नाम जरूर सुना होगा। सिप्ला भारत की सबसे पुरानी फार्मा कंपनी है जिसकी शुरुआत डॉक्टर ख्वाजा अब्दुल हमीद ने की। डॉक्टर ख्वाजा अब्दुल हमीद का जन्म 31 अक्टूबर 1898 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुआ। उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद साल 1935 में एक दवा बनाने वाली कंपनी की शुरुआत की, जिसे केमिकल इंडस्ट्रियल एंड फार्मा लेबोरेटरी सिप्ला नाम दिया गया। आपको बता दें कि
हामिद सिप्ला के चेयरमैन होने के साथ साथ एक बड़े साइंटिस्ट भी है। हामिद के नेतृत्व में सिप्ला ने कैंसर, डायबिटीज जैसी खतरनाक बीमारियों के लिए कम कीमत में दवा उपलब्ध कराई है। कोरोना वायरस के समय भी जब पूरी दुनिया त्राहिमाम कर रही थी, उस समय भी सिप्ला का योगदान सराहनीय था। नंबर 5, सानिया मिर्जा। दोस्तों, भारत की सबसे कामयाब और लोकप्रिय टेनिस खिलाड़ियों में से एक सानिया मिर्जा का जन्म 15 नवंबर 1986 को मुंबई के महाराष्ट्र में हुआ। सानिया मिर्जा ने इंटरनेशनल लेवल पर कई मेडल्स भारत के नाम किए। इसके अलावा सानिया के नाम 6 ग्रैंड स्लैम टाइटल भी है। उन्होंने 3 बार मिक्स्ड डबल्स और इतनी ही बार वुमेन्स डबल्स में ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता। सानिया मिर्जा को भारत में भी कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से जैसे कि पद्म भूषण, पद्मश्री, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार आदि से सम्मानित किया जा चुका है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दे, सानिया ने पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक से शादी की है, लेकिन टेनिस में भारत का प्रतिनिधित्व करती है। नंबर 6, उस्ताद जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन भारत के सबसे प्रसिद्ध तबला वादक हैं। उनकी अपार प्रतिभा न केवल भारत में लोकप्रिय है बल्कि उनकी तबले की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देती है। कहा जाता है कि जाकिर हुसैन अपने तबले की धुन से लोगों के दिलों को छू जाते हैं। उन्होंने लाइक इन कस्टडी, डी हीट एंड डस्ट जैसी कई फिल्मों के लिए संगीत तैयार किया है, जिसके लिए उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, कालिदास सम्मान, ग्रैमी अवार्ड्स जैसे कई पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। नंबर 7, अजीम प्रेम जी। अजीम प्रेम जी भारत की एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें लोग बिजनेसमैन के तौर पर कम और परोपकारी दानवीर के तौर पर ज्यादा जानते हैं। अजीम प्रेम जी का जन्म 24 जुलाई 1945 को मुंबई के एक मुस्लिम परिवार में हुआ। प्रेम जी भारत की टॉप आईटी कंपनियों में से एक विप्रो के फाउंडर है। आज भारत के 2 लाख से ज्यादा लोग विप्रो के अंदर काम करते हैं। इन्होंने भारत के लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने और उनके विकास के लिए कई कार्य किए हैं। और अभी भी अजीम प्रेम जी हर साल भारत के स्कूलों के विकास के लिए $2 मिलियन का दान देते हैं। अजीम प्रेम जी के कार्यों को देखते हुए उन्हें पद्म भूषण, फैराडे मेडल और CNN IBN इंडियन ऑफ द ईयर आउटस्टैंडिंग अवार्ड जैसे कई पुरस्कार दिए गए हैं। नंबर 8, इरफान खान। इरफान खान एक भारतीय फिल्म अभिनेता थे। वे बॉलीवुड में अपने दमदार अभिनय के लिए आज भी लोगों के दिलों में खास जगह बनाए हुए हैं। वे हॉलीवुड फिल्मों में भी अपने अभिनय का लोहा मनवा चुके हैं। अपने दमदार अभिनय की वजह से ही उन्हें कई बार फिल्म फेयर पुरस्कार मिल चुका है। अपने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर फिल्म पान सिंह तोमर के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। इसके साथ ही उन्हें पद्मश्री भी दिया जा चुका है। नंबर 9, AR रहमान। दोस्तों, AR रहमान को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं, लेकिन यहाँ जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दे, AR रहमान का जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था, लेकिन बाद में उन्होंने मुस्लिम धर्म को अपना लिया। अल्लाह रखा रहमान अपनी सुरीली और मधुर आवाज से किसी को भी मंत्रमुग्ध करने का हुनर रखते हैं। उन्होंने वंदे मातरम, जय हो, माँ तुझे सलाम सहित कई अन्य हिट फिल्मों में संगीत दिया है। AR रहमान को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे पद्म भूषण, पद्मश्री, ग्रैमी अवार्ड्स, ऑस्कर अवार्ड्स, विजय अवार्ड आदि से सम्मानित किया जा चुका है। नंबर 10, जावेद अख्तर। दोस्तों, जावेद अख्तर ने अपनी कलम से हिंदी सिनेमा के गीतों को जो जादुई अंदाज दिया है, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। गजलों को एक नया और आसान रूप देने में जावेद साहब का बहुत बड़ा योगदान है। इसके साथ ही जावेद अख्तर ने शोले, जंजीर और न जाने कितनी कालजयी फिल्मों की पटकथा सलीम खान के साथ मिलकर लिखी। आप में से बहुतों को नहीं पता होगा कि जावेद अख्तर गीत और पटकथा लेखन के साथ वो सुंदर उर्दू कविता भी लिखते हैं। जावेद अख्तर को उनके कार्यों के लिए पद्म भूषण, अवध रत्न और इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो दोस्तों, ये है वो कुछ मुस्लिम शख्सियत जिन्होंने देश के विकास के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। धन्यवाद।